अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जनाब कैसे हैं आप सब? भाई खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आई होप यू ऑल आर फाइन, इज़न्ट इट? से यस, अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर फाइन, वेरी नाइस। तो जनाब आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम कुछ अच्छा सा डिस्कस करेंगे जी। हम सेट डिस्कस करेंगे। भाई आपने देखा है ना, बहुत सारी चीज़ों के सेट होते हैं। आपके ये बताइए कि आपके घर में ड्राइंग रूम में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं? भाई सबके घर में ड्राइंग रूम होता है, और ड्राइंग रूम कौन सा रूम होता है? जहाँ पे सारे गेस्ट आकर बैठते हैं, है ना? तो ये बताइए आपने कि मामा ने ड्राइंग रूम में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं ताकि सारे गेस्ट जो हैं वहाँ पर मज़े कर सकें। कौन कौन सी चीज़ें हैं? सोफ़ा है, और क्या है? टेबल भी है, यस, और कर्टेंस भी हैं, वाज भी रखा होगा, इज़न्ट इट? जी, तो भाई यहाँ पर जो मेन चीज़ होती है ड्राइंग रूम में जिसे हम रखते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? सोफ़ा सेट। आपको पता है सोफ़ा सेट जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं, यानी कि एक सिंगल सोफ़ा होता है जिसमें वन पर्सन के बैठने की जगह होती है ना। एक टू सीटर होता है जिसमें टू पर्सन्स बैठते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? टू सीटर। जो वन सीट होती है जिसमें, हम उसे कहते हैं वन सीटर। जिसमें टू सीट्स होती हैं उन्हें कहते हैं टू सीटर्स। जिनमें थ्री सीट्स होती हैं हम उन्हें कहते हैं थ्री सीटर्स। इसी तरीके से सेवन सीटर्स भी होता है, ठीक है? तो जब ये अलग अलग होते हैं तो हम इन्हें क्या कह रहे होते हैं? वन सीटर, टू सीटर, थ्री सीटर, फाइव सीटर, सेवन सीटर कह रहे होते हैं। मगर जब ये सब कंबाइन होकर एक ड्राइंग रूम में आ जाते हैं तो फिर क्या बन जाता है? ये एक सेट बन जाता है। क्या बन जाता है? सेट बन जाता है, और हम इसे क्या कहते हैं? सोफ़ा सेट। क्या कहते हैं? सोफ़ा सेट, वेरी गुड। चलें अब आप लोग क्या करेंगे, अपनी बुक्स निकालिए एंड ओपन पेज नंबर 13, वेरी गुड। अच्छा, बुक ओपन करने के बाद सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? हम डेट डालते हैं। जल्दी से डेट डाल लीजिए, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? आइकन्स देखते हैं, ठीक है? आइकन्स में कौन से आइकन है हमारे पास? एक फिंगर है जो क्या कर रही है? रीड कर रही है। तो हमें भी क्या करना है? रीड। क्या करना है? रीड, वेरी गुड। और ये क्या है? एक कैट है जिसमें क्रियॉन है, वो क्या कर रहा है? कलर कर रहा है। तो हमें भी क्या करना है? कलर, वेरी गुड, कलर, वेरी नाइस। अब यहाँ पर देखें आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, और पिक्चर में तो अहमद और अहमद के सारे फ्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, और भाई ये सब तो सोफ़ा सेट लेकर आ रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं भाई? इसकी हम स्टोरी सुनेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि ये सब कहाँ से आ रहे हैं और सोफ़ा सेट लेकर आए हैं। वाओ भाई, न्यू सोफ़ा सेट लेकर आए हैं। चलें अब हम इसकी स्टोरी सुनते हैं तभी हमें पता चलेगा कि ये सब यहाँ पर क्या कर रही हैं, ठीक है? ओके, स्टार्ट। बटरफ्लाई बॉट अ सोफ़ा सेट। शी कॉल्ड हर फ्रेंड्स to help her in moving the sofas. Bear and Kangaroo put the big three-seat sofa along the wall. Ahmed and Zebra moved the single-seat sofas in the corner of the room. Monkey moved a table in the center of the sofas. Hen, holding a vase in her wings, jumped onto the table. The delighted butterfly said, "One big and two small sofas makes a sofa set. How lovely is my sofa set?" भाई यहाँ पर
बटरफ्लाई ने सोफा सेट खरीदे हैं। वाओ, और उन्होंने उसकी सेटिंग के लिए क्या किया था, अपने फ्रेंड्स को कॉल की थी और उन्हें बुलाया था। तो भाई बियर और कैंगरू भी आ गए थे। उन्होंने क्या किया था, बड़ा जो 3 सीटर सोफ़ा था उससे उठाया था और एक जगह पे रख दिया था। उसके बाद अहमद और ज़ेबरा ने जो सिंगल सीटर थे उन्हें भी कॉर्नर्स पे प्लेस कर दिया था। मंकी जल्दी से गए और सेंटर टेबल लेकर आ गए। उन्होंने टेबल को सेंटर में रखा और हैन ने क्या किया, अपने विंग्स में वास लिया और जल्दी से उड़कर उसे सेंटर टेबल पर रख दिया। भाई बटरफ्लाई तो ये देखकर बहुत ही खुश हो गई कि उनका ड्राइंग रूम इतना खूबसूरत बन गया। फिर उन्होंने बताया कि ये तमाम चीज़ें ये क्या हैं, जब सोफ़ास अलग अलग होते हैं तो हम उन्हें 1 सीटर 2 सीटर 3 सीटर 5 सीटर 7 सीटर कहते हैं, मगर ये जब सब कंबाइन हो जाते हैं, ड्राइंग रूम में आ जाते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, सोफ़ा सेट। क्या कहते हैं, सोफ़ा सेट। वेरी गुड। अब आपने क्या करना है, इस पिक्चर में अच्छी सी कलरिंग करनी है। जो भी कलर्स आपको अच्छे लगते हैं आप इस पिक्चर्स में उन कलर से अच्छी सी कलरिंग कर सकते हैं। जल्दी से अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए इससे पहले कि टीचर की कॉल आ जाए। उन्हें अपना वर्क भी तो चेक करवाना है। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।